कि मुझे जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूस होने में और रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होने में 2 का 3 का चेंज हुआ था, वो म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? अभी काम करो, 2 क्रोमियम इधर है, इधर 2 क्रोमियम है, ठीक होगी बात। इधर आपके पास क्लोरीन कितने हैं? यहां क्लोरीन 6 है, तो 6 लिख दे। अब इधर सोडियम कितने हैं? 6 और 4 10, ये 10 लिख दे, आंसर आ गया। टोटल टाइम पीरियड मुश्किल से लगा होगा आधा मिनट। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से म्यूचुअल इंटरचेंज कर दो एंड देन आफ्टर एलिमेंटल बैलेंसिंग को टारगेट करो। क्रोमियम बैलेंस था, अगला टारगेट मैंने क्लोरीन किया, उसका अगला टारगेट मैंने सोडियम किया, सोडियम को टारगेट करते करते हम विनर बन गए। 11 नंबर चाहिए अब, 8वां तो बताया था आपको उस दिन। एमजी से एमजी प्लस टू सारी है मतलब, फिर तुमने किया क्या भाई है? ये तो हमारा वहम होता है कि हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को, आप लोग कुछ करते तो हो नहीं यार, मेरे को मजा नहीं आता आप लोगों के साथ ना। अब ये IO3 है, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, ये IO3 है, यही आपके पास I-, यही आपके पास आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। ये +5 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये रिडक्शन है, ये माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर ही 0 में हो गया, ये ऑक्सीडेशन है। अब बैलेंस कर डालो इसको बस, डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा ही तो चल रहा है। उसके बाद एलिमेंटल बैलेंसिंग कर लो, एलिमेंटल बैलेंसिंग कर लो, फिर ऑक्सीजन बैलेंसिंग कर लो, हाइड्रोजन बैलेंसिंग, जोड़ के आंसर आ जाएगा। इसमें दिक्कत क्या आई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। 7वें में अब 8वें में दिक्कत फंसा के बैठे हैं। एमजी से MgCl2 2 का चेंज साफ दिख रहा है बिना किसी टेंशन के। पिछले नहीं, ये बच्चे ने पूछा है ना किसी ने 8वां क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा बच्चे एप्टीट्यूड भी नहीं लगा रहा ना यार, ये तो पूरे 5 चैप्टर से पता चल रहा है। रेडोक्स को मारो गोली उड़ा दो तोप से इसको। एमजी से MgCl2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, सीधा सीधा आंसर है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, हर एक चीज को रेडोक्स के मिरर से थोड़ी देखोगे यार, सिंपल दिख रहा है कि यार ठीक है, एमजी से Mg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। 9वां 10वां 11वां और भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो करवा ही रहा हूं ना, अभी हाथ पाथ सारे हो जाएंगे। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना 5 के साथ, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी इसको 2 के साथ, इसको 5 के साथ जोड़ के लिख दो, आंसर आ जाएगा। जिसने भी क्वेश्चन पूछा ना, वो अपना ओपिनियन भी तो देना है इसके अंदर। मैं कैसे समझ के चलूँ कि बच्चे ने काम किया है? KMnO4 वाली को 10 बार कर चुके हो आप लोग। KMnO4 का MnMn बैलेंस है, O से 4 वोटर जोड़ दिए, इधर से 8 ऑक्सीजन H+ जोड़ दिए, फिर दोनों का चार्ज का डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर 2 कार्बन कार्बन थे, कुछ उसमें चेंज हो नहीं सकता था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2-2 थे, कोई चेंज हो नहीं सकता था। कौन था इधर? इथेनॉल, ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये नीचे वाला चेंज कर रहा हूँ, इथेनॉल एसिडिक एसिड, इस पूरे को नए सिरे से कर रहे हैं। तो कार्बन है, तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है इधर, इधर 4 है, ऑक्सीजन 1, तो पहले वोटर ऐड करो। अभी तो तुम्हारे पास 5 6 8 हो गए, इधर तुम्हारे पास 4 ही है, 4H+ ऐड कर दो। उसके बाद चार्ज न्यूट्रल है, इधर चार्ज आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 है, इधर 4 है, इसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
और जिसका क्वेश्चन था यस नो बोल दिया करो, नहीं तो मैं क्लास तक लीव करके जा रहा हूँ भाई, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? हो सकता है तुम इसका डेल्टा ओ एन चेंज ही दो निकालना हो, जबकि डेल्टा ओ एन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। -3 से +5 तक जाने में मुझे लगता है तुमने पक्का ही गड़बड़ की होगी, 8 का चेंज है यार। ये वाला 8 इधर मल्टीप्लाई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, केमेनो 4 के साथ में पक्का कौन आएगा, 8 आएगा, और उस अमोनिया के साथ 3 आएगा, सीधा सीधा आंसर आ गया। ये आज से 5 दिन पहले बात हुई थी साहिल, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, एक्चुअली पेम्परिंग वाले बन चुके हो तुम लोग। बोला था कि स्पेक्टेटर है, बेस है ये, तो इसके कोई चेंज आ रहा है? तू चल यूं कर, मेरे को रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बता, क्या है इधर, क्या है प्रोडक्ट साइड में, फिर इसका क्या होना है, ये तो स्पेक्टेटर है। और ये बात मैं एक बार थोड़ी बोल रहा हूँ बच्चे, एक्चुअल में ना अभी हेलिक्स वाले तो बोल रहे हैं 10-10, 15-15 बार, हर जगह नहीं बोलते ना 10-15 बार, एक ही बात को बार बार क्यों सुनना चाहते हो तुम लोग ना, फिर नंबर नहीं बढ़ते हम लोगों के, वही 100, 120, 110 पे टिके हुए हम लोग। तुम्हारा फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे टीचर है, तुमको तो देख ही नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो क्लास में बैठ के, घर पे बैठ के, पोटेशियम पोटेशियम। और ये मैंने कितनी बार बोला है, जिस तो ठीक ठाक सा बच्चा होगा मान लेगा इस बात को, कि मैंने बोला स्पेक्टेटर को चेंज नहीं होता, इसको कहीं लिखना ही नहीं है, और तुम फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो क्यूएच का क्या, क्यूएच का क्या, कुछ भी नहीं क्यूएच का, इसका क्या करना है तुम्हें, वो तो बाद में अपीयर हो जाएगा जब रिएक्शन बैलेंस करेगा। पांच चैप्टर पढ़ाने के बाद ना छठे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते ऑफलाइन के अंदर भी बच्चा क्या करता था, क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता था अपने आप ही ना। तुम तो हर एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हो यार, अब मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ से क्या है। ये जो बैलेंस करने की रिएक्शन थी 70% मैंने बता दी इसके अंदर, इसका तीसरा मैंने बता दिया सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, चौथा मैंने बता दिया बोर्ड पे लिखा हुआ है, पांचवा भी मेरे से करवा लिया आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, छठा भी करवा लिया आपने, सातवां भी अभी करवा लिया, आठवां भी अभी करवा लिया, नौवां भी मेरे से करवा लिया आपने, दसवां भी करवा लिया, ग्यारहवां भी। तो फिर आपने क्या किया, नील बट्टे सन्नाटा, इसका मतलब क्लास में है ही नहीं आपकी अपीयरेंस। तभी तो मैं रोता रहता हूँ क्लास में रहो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, तुम्हें लगता है ऐसे ही बोलता रहता है, ये ऐसे थोड़ी चलता है काम को, एक दिन तो आपको टाइट करना पड़ेगा ही ना किसी दिन, तो कितने दिन पैम्परिंग से चलोगे। क्वेश्चन पूछो भी, ये स्टार्ट के 4 क्वेश्चन, नंबर बोलो इसमें से। और मेरे ख्याल में इसमें 8 थी, बचा था बाकी तो मैंने करा दिए थे, पांचवा मैंने खुद कराया, ये भी मैंने करा, ये भी मैंने, बस एक ही बचा था, ये आपने मुझसे पूछ लिया क्या किया आपने, नथिंग। सुनो सुनो, डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ऑक्सीडेंट इन द एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, द आयन क्रोमियम +3 इज फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ टिन +2 बी ऑक्सीडाइज टू टिन +4, और आपको बार बार बताया था यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 है, तो यहाँ +6 × 2 करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है, डेल्टा ओ एन यहाँ 6 है, यहाँ डेल्टा ओ एन तुम्हारे पास क्या है, 2 है, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 6। अब तुम कहोगे हमने गलती कर दी, हमने 3 मान लिया, हमने 1 मान लिया, अब ये तो ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी हुए थे। ऊपर वाले में कोई एक बार थोड़ी बताया, 15 बार बताया आपको पीछे, 15 बार कि S8O P4 हो, ये जब कन्वर्ट होएंगे ऑक्सलेट हो, बार बार तो बताया, तुम वही आगे फंस गए वापिस, +6 से +3, 3 का चेंज, क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा बताओ आप, 3/2 थोड़ी आ रहा है।
तुम सुनते ही नहीं बातों को यार, क्या करें हम ना। नहीं, जिसने भी कर लिया अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, बट मैं सबकी बात ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना, कि तुम सुनते ही नहीं बातों को, कब तक चलेगा ये काम ना। और उसके बाद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना आज बिल्कुल ट्रुथ से फेस टू फेस कराता हूँ। पांचवा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाना है, तुम्हें इसका आंसर याद है, तुम टिक मार के आ जाओगे, सच 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 दिखा रहा हूँ तुम्हें। सातवां आ जाना पेपर में, तुम टिक मार के आ जाओगे। छह क्वेश्चन नए होंगे, उस छह में से तुम चार गलत कर जाओगे, तो कुछ किया क्या तुमने मुझे बताओ ना। बिटर हो सकती है बातें, लेकिन ट्रुथ यही है। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन तुम्हारे 41 नए पुराने क्वेश्चन डल गए, 39 पुराने क्वेश्चन। उन 39 में भी तुम मेरे से पूछ लोगे डाउट अगली बार पे, तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो वह में जी रहे हो बच्चे, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को ना, जो कि गलत सीन बन रहा है। एक ना एक दिन तो तुम्हें फेस टू फेस होना ही पड़ेगा ना इन चीजों को। और इसमें गलती क्यों कर रहे हो, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। दो क्रोमियम में सीधे सीधे 6x2 करेंगे, इधर 3x2 करेंगे। और कोई बोले नहीं है तो मैं पेज दिखा देता हूँ पीछे, एसेट का, P4 का, ऑक्सिलेट का, इन सब का कन्वर्जन मैंने खुद कराया क्लास के अंदर। इनमें से बोलो, नाइन्थ बच गया, ये भी पूछ लो। वापिस चांस, फाइनल चांस है नाइन्थ क्वेश्चन का, हाथ खड़ा कर सकता है जिसको पूछना है। डाउट नहीं है, पक्का है। चलो, तो झूठ मारोगे यार तुम्हारा नुकसान है, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ। आज मैं सोच के आया था तुम्हें टाइट करूंगा थोड़ा सा ना, ऐसे बहुत दिन हो गए तुम्हें ना प्यार मोहब्बत से कंधे भी बैठा के चलते हुए। सैंपल ऑफ Fe+2 आयन्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड बाय एक्स मोल्स ऑफ, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हमें पता है एसिडिक मीडियम में +2 में बदलता है, ये +3 में बदलता है, इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 5 है। तो यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या पता क्या हुआ, अ सैंपल ऑफ Fe+2 आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एक्स मोल्स ऑफ KMnO4 या MnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ आपके पास इसके 5 मोल के लिए इसका 1 मोल यूज हो रहा है, इस 1 को एक्स मान लेते हैं हम लोग ना, 5 मोल्स। एक एक इक्वेशन और लिख दो, तुम खुद ही समझ जाओगे। अगली बार क्या हुआ, तो मोल्स ऑफ Cr2O7-2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज सेम अमाउंट ऑफ Fe+2। अब यहाँ क्या लिखते हैं जी हम लोग, वही Fe+2, वही Fe+3, एन फैक्टर इसका तो बदल नहीं सकता, लेकिन यहाँ डाइक्रोमेट लिखकर यहाँ 2 Cr+3 लिख दिया गया है, इसका एन फैक्टर 6 हो गया। अभी बताया था थोड़ी देर पहले जिसमें तुम लोग पसरे पड़े थे सारे के सारे, ठीक है ना। अब ये 6 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरे को इसके 5 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, ठीक है ना। और कोई एन अमाउंट ले लेते हैं उसके लिए, इसका एक्स अमाउंट इसने दे दिया है। आयरन की सेम अमाउंट यूज करनी है अपने, आयरन की सेम अमाउंट। तो ऊपर से इक्वेशन बनाकर आओ और नीचे उसी इक्वेशन को यूज कर लो। मैं आपको यहां 10 सेकंड का स्पेस देता हूं कि 1 मोल MnO4 की जगह एक्स मोल हो, 1 मोल 5 से रिएक्ट कर रहा है, एक्स कितने से करेगा, ये पहली इक्वेशन। और उसी अमाउंट को नीचे यूज करके आंसर निकालो, पूरे 15 से 20 सेकंड, चलो 1 मिनट का स्पेस दिया आपको, पूरे 60 सेकंड का। चला वन मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ Fe+2, एक्स मोल कितने से करेगा, 5x से, डनो की बात। अब यही अमाउंट वापस यूज करना है तुमने, अब नीचे आ जाओ। उसने कहा जी तो मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, तो हमें पता है कि 1 मोल जो डाइक्रोमेट है वो 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 5x कितने से रिएक्ट करेगा ये पता लगाना है। तो 6 रिएक्ट विद 1, 5s रिएक्ट विद 1/6 इनटू 5x, ये 5x/6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
कैसे कैसे? हाँ नहीं, 5 में 6 का डिवाइड करेगा तो 0.8 ही आएगा। 6 में 5 का डिवाइड थोड़ी करना है, 5 में 6 का डिवाइड करना है। मेरा कहना यह है कि पहली इक्वेशन में तुमने निकालना है कि कितना आयरन यूज हो रहा है, 5x। फिर अगले वाले में पता करना है कि अगर 6 मोल को 1 मोल डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर रहा है, 5x को कितने मोल डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा, आंसर आ जाएगा 0.8x। इस क्वेश्चन में है कि डाइक्रोमेट कितना यूज हुआ, 11th 12th। देखना ही तीनों क्वेश्चन, ऐसे ना करो, पूछ लो ना, तुम तो डर गए मेरे से अब तो। वैसे मैं तुम्हें डरा नहीं आया था आज। 13 14 15, अब देखो ना, 15, जिसने 15 पूछा ना उसको तो ना जबरदस्त वाला ना, उसको तो मतलब एक ना करारा वाला मुक्का पड़ना चाहिए ना। ये क्लास में करवाया भाई यार, S8 से लेकर SO2, कैसे भूल सकता है बच्चा? और नोट्स क्यों नहीं पढ़ते यार? लो जी, 32 से डिवाइड मार दिया 256 को। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसेट 256 डिवाइडेड बाय 32। व्हाट इज एन फैक्टर? 32। मॉलिक्यूलर वेट कितना है एसेट का? 32 × 8 बाय क्या कर दिया? 32। 32 कट गया, 8 बच गया। नोट्स में चेक कर, नोट्स में पढ़ा हुआ ये सेम क्वेश्चन, नोट्स में पढ़ा हुआ है। एसेट सल्फेट, एसेट का सल्फाइट, एसेट का सल्फाइड, एसेट का SO2, एसेट का SO3, P4 का फोस्फाइड, P4 का फोस्फेट, P4 का फोस्फाइड, सारे पढ़े हुए उसके अंदर। इसके आंसर की में कोई चेंज नहीं है। अब मैं ना सारे के सारे आपको आरपीएस से एक बार दर्शन करवा देता हूँ, क्लियर ना? उसके बाद हमारी असाइनमेंट शुरू हो जाएगी। हाँ भाई, पहले पेज, और इसमें टाइम लगना चाहिए हमारा 2 मिनट। हाँ भाई, 4 क्वेश्चन है ये, RPS 1, 5 to 8, RPS 1। प्रॉपरली अपने हाथ में भी RPS रखो, 9 to 10, 9 to 13, 13 to 18। हाँ जी, पूछ सकते हो यार, मैं फिर कह रहा हूं, पूछ सकते हो। नहीं, अब मैं पूछूंगा तो आंसर डाउट वन भी जाएगा। हाँ, फिर वही कह रहा हूं ना मैं, इन बातों पे मत आओ कि डाउट नहीं है, मैं पूछूंगा तो डाउट निकल भी आएगा। 1 से लेकर 5 तक आज मैंने स्विच में 2 करेले खाए थे, मैं सोच ही रहा था आज तो मैं इनको इनको ना प्रॉपर वाला मैं ट्रीटमेंट दूंगा, और अगली क्लास में भी ऐसे ही करूंगा तुम्हारे साथ में, डरा के जाऊंगा तुम्हें। 6 से 8 नहीं, आज तो पक्का है, बहुत दिन हो गए। नहीं, अब तो अब मैं पूछ तो रहा हूँ, डाउट बताओ ना, 1 से 5 तक क्या रहा है? मैं रिपीट पे आ गया हूँ ना मैं तो, 9 to 12, 12 से 15, 15। अब जिसने भी बोला था कि ये चैप्टर नहीं हो रहा है, क्या उसको इस में 1 से 5 सारी RPS हो गई है? लो कर लो बात, अब जवाब ही नहीं आ रहा। ये 1 से 5 100% अमृत कसम खाओ तुम अपने पेन की कसम खा ली। चलो ये देखना, 1 से लेकर 5 तक, कौन सी 5 नंबर? ये तो हमने कर ली ना। अच्छा ठीक है, मुझे लगा पीछे वाला मैंने रब कर दिया था ना। हाँ भाई, इसके 4th क्वेश्चन का आंसर बदल रहा है, 4th आ रहा है। हाँ, ये इसको अगर अंडरलाइन किया हुआ तो इसका मतलब पक्का बात हुई होगी इसके बारे में कभी ना। चलो कोई बात नहीं,
क्लास में आप ध्यान नहीं देते हो, इससे बढ़िया बढ़िया सबूत क्या दूं मैं आपको। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 6 तक पूरा, 1 से 6 तक बार बार देख लो, माइक्रोस्कोप से देख लो कि डाउट है तो। कौन सा? छठा नंबर। ये देखो देखो ना, सम ऑफ, लेकिन वही कह रहा ना बच्चे, क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, टीचर इसलिए रो रहा है बार बार, अपने वीडियो ऑन रखो ताकि तुम्हें संभाल पाए, क्योंकि पेरेंट्स तो संभालते नहीं तुम लोगों को। नंबर कम आएंगे तो सीधा सीधा मुझे कहेंगे, बंसल जी की वजह से नंबर कम आ रहे हैं, वो देख ही रहे बीच में बच्चा बैठा हुआ है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैं क्या कर लू, तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ लूंगा मैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। अब खुद बच्चे कह रहे हैं कि आपने क्लास में करवाया है, इज जीरो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज जीरो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड आपके पास एक्स है, वाई है, जेड है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, इसका +5 है, अगले वाले का -2 है। अब कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए कि सबका सम जीरो आ जाए, जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इनटू वन। एक्स एक है ना, वाई भी एक ही है ना, और जेड मेरे पास 2 है, तो हुआ क्या, ये +2 हो गया, ये +5 हो गया, ये -4 हो गया, लेकिन सम तो +3 आ गया, जबकि ये तो जीरो होना चाहिए था। नो जी, इसका मतलब पहला फॉर्मूला नहीं है। दूसरा, एक्स 2 है आपके पास, ये वाई है, एक्चुअल में वाई आपके पास 2 है, जेड आपके पास 6 है, 2 से मल्टीप्लाई तो +4, 5 से मल्टीप्लाई तो +10, इससे मल्टीप्लाई तो -12। ओए, ये तो रिजल्ट में +2 आ गया सबको जोड़ के, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी गलत है, जिसका भी डाउट था। चलो अब x3, फिर y2, z8, ये +6 हो गया, ये +10 हो गया, ये -16 हो गया, टोटल 0 आ गया सबको जोड़ के, इसका मतलब ये कंपाउंड बिल्कुल सही बना हुआ है। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, ये देखो, ये देखो सर, ये सोल्व करा रखा है, देखो पर्दे के पीछे। और रुक जो यार, रब तो कर लूं। हाँ, 6 से लेकर 10 तक, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई बताएगा 10th क्लास में हुआ था कि नहीं हुआ था? अब और क्या सबूत दूं आपको कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं? 1 मोल ऑफ N2H4, क्या कह रहा है प्रणव? हाँ, वही कह रहा हूं ना, N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ना सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप कहीं ना कहीं आलसी हो चुके हो, ध्यान नहीं देते हो इन चीजों को, जितनी जल्दी आप रेक्टिफाई कर लोगे आपका भला हो जाएगा। N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है जी। तो अब जो चार्ज हुआ ना, वो इस कलेक्टिव आयन का 10 हो गया प्रणव। अब नाइट्रोजन को तो 2x लिख ले, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 1 1 1 प्लस में 4 हो गया। अब तेरा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। इसी को किसी भी तरीके से और कर लो कि 10 मोल की जगह 15 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई, 2.3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपनी तरफ से। कुछ लोग ढेरों क्वेश्चन बना लेते हैं इसके, कुछ चक्कर नहीं, बन जाएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, अब कर सकते हो खुद या नहीं कर सकते हो? है? ये मेन तो इसका स्ट्रक्चर है ना। आ रहा हूं आ रहा हूं, अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं आ रहा हूं, सुनो। हाँ
हाँ बस बात करता मैं, एक बार बच्चे की आवाज में बुलवाते हैं, अभी ना बोलना, सिंपल है यार, बस बात करता मैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। अब आ जाओ मेरे साथ, यह एनए एनए प्लस है, अमृत को भी सुनना, हरमीन का भी डाउट था और सांची का भी डाउट था। सांची एनए एनए प्लस 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 वन पढ़े हुए, यस और नो? उसके बाद एच प्लस वन से प्लस वन में कैरी फॉरवर्ड हो गया, नो चेंज। कार्बन प्लस फोर से प्लस फोर में, नो चेंज। हाइड्रोजन प्लस वन नो चेंज। क्लोराइड माइनस वन नो चेंज। इट इज नॉट रेडॉक्स। यही तो कराया था, वेरी फर्स्ट डे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हुई थी, उसके अंदर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज इंक्रीज ही तो रेडॉक्स है। अब सुनो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स, यहां भी प्लस सिक्स, यहां पोटेशियम प्लस वन, यहां भी प्लस वन, यहां आयोडाइड। अब बनी बात, ये आयोडाइड आयोडीन यहां चेंज हो रहा है, आयोडाइड आयोडीन। अब सुनो, ऑक्सीजन यहां माइनस वन में था लेकिन यह पूरी तरह से माइनस टू में कन्वर्ट हो गया, परोक्साइड ना, सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये पक्का रिडोक्स रिएक्शन है। सेकेंड वाली H2SO5+2KI चेंज, 2K2SO4 वाटर प्लस आयोडीन, कोई बता पाएगा इसमें स्पेक्टेटर कौन कौन है? ऐसे नहीं, सिंगल सिंगल बताओ ना, पोटेशियम स्पेक्टेटर है, सल्फर स्पेक्टेटर है, हाइड्रोजन स्पेक्टेटर है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां ऑक्सीजन का और आयोडाइड का, इसमें से जो दो परोक्साइड बॉन्ड थे उनका कन्वर्जन हुआ है, इसके अलावा जो आयोडाइड था उसका आयोडीन में कन्वर्जन हुआ, ये रिडोक्स है एग्जैक्ट। अब अगला देख लो, पता चल जाएगा। वैसे आंसर तो आ ही गया नोट रेडॉक्स का, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ ही रहे। बारह तेरह चौदह, ऑल ऑफ दीज, थर्ड में फोर्थ। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी ए होल नंबर, मैं पूरी कर दूं एक सेकंड बाद। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी ए होल नंबर, फ्रैक्शनल और इवन जीरो, व्हेन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर एंड नेवर जीरो एक्सेप्ट इन नोबेल गैस। हाँ, नोबेल गैसेज में जीरो है, बस ऐसा उसने लिख दिया, अदरवाइज जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको पहले भी बताया था मैंने, तो थर्ड लाइन ठीक है। ये ऐसा थोड़ी लिखा था उसने, उसने उसने कहा था कि वैलेंसी कैन बी जीरो और मे बी जीरो, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ शायद, मुझे याद आ रहा है। तो वैलेंसी का जीरो कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं ना, जहां मैंने आपको बताया था इट इज अ कंबाइनिंग एफिशिएंसी करके, है ना, तो वो नोबेल गैसेस बोल रहा है, तो नोबेल गैसेस की वैलेंसी थोड़ी हुई वो, नोबेल गैसेस की वैलेंसी है ही नहीं, बस यू मान लो ना। जीरो बोलने का मतलब क्या, मैथमेटिकली अप्रोच दे दी जीरो है, कंबाइनिंग एफिशिएंसी इनके अंदर है ही नहीं। अब इश्मित को बोलना पड़ेगा, मेरी क्लास का बंद होने का टाइम हो गया। एक ये कराया 11th, इसको मैंने स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया। 9th नंबर, छठा नंबर ऑलरेडी तुम थी मेरे साथ में जब मैंने कहा था, करवा चुका हूं मैं, बस इतना ही है। आज मेन क्लास में पहुंचते ही हम लोग कहां से शुरू हो जाएंगे, 15 नंबर से, मेन क्लास में 15 से शुरू होंगे भी, ठीक है? चलो जी।